मैं देख रहा हूँ जिस दिन से घटना घटी है, नंदनगांव में माननीय मुख्यमंत्री जी के हमले, गाड़ी के काफिले पर जो हमले हुए, और उस दिन से आज तक हम लोग चुप हैं। महादलित समाज से हम लोग आते हैं, कहीं भी बक्सर जिले और बिहार के कहीं भी कोई महादलित खुश नहीं है, काफ़ी दुखी है। और आज जो है नंदनगांव को सियासी पर्यटक के रूप में विपक्ष के तमाम लोग उसको पर्यटक स्थल बना दिए, सियासी पर्यटक स्थल बना दिए। ऐसे हमले को ऐसे नज़रों से, घिनौनी नज़रों से जो देख रहे हैं कि महादलित के मुद्दे को उठाएंगे तो महादलित हमारे साथ आ जाएगा, ऐसे उनके जब मंसूबे पाले हुए हैं उस पर निश्चित तौर पर पानी फिरेगा। महादलित भी समाज आज मुख्य धारा से जुड़ रहा है, और उनका कहना है कि महादलितों के विकास के लिए ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो आज कर रहे हैं, भविष्य में ऐसा कोई करने वाला नहीं है। आज पूरा बिहार का महादलित समाज खुशहाल है, इसलिए ऐसे सियासी पर्यटक स्थल नंदन को बनाने वाले विपक्ष के लोगों से जो मंसूबे होंगे उस पर निश्चित तौर पर पानी फिरेगा और महादलित उसको कभी माफ नहीं करेगा। आपको लगता है कि इस घटना के बहाने महादलितों के वोट पर डेरा डालने की विपक्ष की कोशिश है? निश्चित तौर पर जो सियासी पर्यटक बना दिए, इसका मकसद क्या है? महादलितों से कहीं लेना देना नहीं है। इतने दिन लोग सरकार में थे, महादलित का नाम सुने थे? मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र में सारी केंद्र की योजनाओं को महादलित को केंद्र में रख कर काम हो रहा है, और ये लोग को पछता नहीं है कि आज महादलित भी विकास के रास्ते पर जुड़ रहा है? सबके घरों में शौचालय, सबके घरों में बिजली का कनेक्शन, सबके टोलों टोलों में पानी के निकास के लिए नाली का निर्माण, सबके यहाँ PCC, विकास मित्र, जितनी बिहार में पंचायतें हैं उतने विकास मित्र महादलित टोले से, मुख्य धारा सरकार के तमाम कामों को विकास मित्र के माध्यम से उसको आगे लाने के लिए सारा काम हो रहा है। इसलिए महादलित बहकावे में आने वाले नहीं हैं इन लोगों से, और महादलित नीतीश कुमार जी के साथ मजबूती से है और आगे भी रहेगा। तेजस्वी यादव के दौरा को किस तरीके से आप देख रहे हैं? उनके लाख दौरा करने से भी कोई महादलित पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लाख दौरा कर दें, हम लोग भी बक्सर जिला के हैं, हम लोग भी महादलित समाज से आते हैं, हम लोग जानते हैं एक भी महादलित कहीं RJD को वोट देने वाला नहीं है।